लोग सीटीआई के मैथ के कुछ संभावित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको हर क्वेश्चन का कमेंट करके आंसर देना है। देखिए यहाँ पर डेसिमल में डिजिट दी गई है, आपको दिख रहा होगा। तो देखिए इसको कुछ करना नहीं है, यहाँ पर प्लस दिया गया है तो सबको आप लोग ऐड कर लीजिए। क्लियर? देखिए 41.412, ठीक है। और इसके बाद डिजिट के नीचे आप लोग डिजिट रखते चलिए, आपका आसानी से निकल कर आ जाएगा 2.174। क्लियर? इसके नीचे अगले डिजिट रखिए 3.586। ओके, आपको आसानी से ये चीज आती होंगी मुझे पता है, बस ये एक छोटा सा एक वो है। तो देखिए 6, 4, 10 और 2, 12 का 2 कैरी 1, 8, 7, 15, 15 और 16 और 1, 17, 17 का 7 कैरी 1, 4 और 1, 5, ठीक है, 5 और 1, 6 और 6, 5, 11, 11 का 1 कैरी 1, 1 और 1, 2, 2 और 2, 4, ठीक है। 4 और 3 कितने होते हैं आपके, 7 होता है, और ये आपका 4 हो गया, तो आपका 47.172 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता देंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए कुछ इसी तरीके का है, तो इसमें आप दोनों इस डिजिट को ऐड कर दीजिए और इसमें से इसको यहाँ पर माइनस कर दीजिए। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 33 है यहाँ पर, 0.144, क्लियर है। और पॉइंट के नीचे जैसा कि हम लोग पॉइंट रखते चले आए हैं उसी तरह से इसको करिए, और ये आपका हो जाएगा इस तरह से, इन दोनों को ऐड कर लीजिए। तो 4 और 4 कितने होते हैं, देखिए 4 और 4 आपका 8 हो गया, और 4 और 1, 5, 4 2, 6 और 3 और 3 आपका 6 होता है, और ये आपका 3 का 3, ऐसे कैसे ही जहां पॉइंट है वहीं पर आप लोग पॉइंट लगा दीजिए, और अब इस वाले को माइनस कर दीजिए। तो देखिए इस डिजिट में से हमको ये माइनस करना है, तो 2.144 में इसको माइनस कर दीजिए, यहां पर माइनस का साइन लगा के। 8 में से 4 गए तो 4 बचेंगे, 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, और 6 में से 1 गया तो आपका 5 बचेगा। ओके, और पॉइंट है यहाँ पर, पॉइंट लगा दीजिए, 6 में से 2 गए तो आपका 4 बचेगा, और आगे आपका 3 है ही, तो 34.514 विल बी द राइट आंसर। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका 34.514, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है आपको, सभी को क्लियर हो गया होगा डेसिमल का। अगर क्वेश्चन पूछे, एक शायद पूछ सकता है, तो आप लोग इसे कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन है जो आपने अभी सॉल्व किया है। इस क्वेश्चन को दोनों को ऐड करना है, इसको यहाँ पर माइनस करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को ज्यादा आप लोग ऐसे सॉल्व ना किए, यही कि इसको सॉल्व क्यों ना कर सके। देखिए इसको इसको ऐड कर दीजिए, पीछे से करते हैं। तो 4 और 4 कितना होता है, 8 होता है, और 4 और 1 इसको प्लस करेंगे तो कितना होता है यहाँ पर हमारा, 5 होता है। क्लियर? और 2 और 4 कितना होता है, 6, और यहाँ पर पॉइंट है तो पॉइंट लगा दीजिए फिर से, और 5 और इसको ऐड कर दीजिए, तो 5, 4 कितना होता है अपन का, 9 होता है। माफ करना, देखिए यहाँ पर आपका ये 5 के नीचे 5 है, ठीक है। तो अभी हमारा 3 डिजिट हमने ऐड कर दिया है, तो फर्स्ट है पॉइंट, ठीक है। तो 5 और 5 कितने होते हैं, 10, 10 की कितनी होती है, 0। क्लियर? और यहाँ पर कैरी इसके ऊपर 1 आ जाएगा, तो 5 और कितने होते हैं, 6, यानी कि आपका 60.658 में से आपको माइनस करना है ये। तो देखिए इसको करने के लिए आप लोग पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट डिजिट आप लोग बस रखते चलिए, आपका हो जाएगा, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। और 55.44 में से इसे हमने माइनस करना है। क्लियर है भाई? तो देखिए 8 में से 4 गए तो अपना बचेगा यहां पर 4, 5 में से 4 गए तो 1 बचेगा, 6 में से 1 गया तो आपका बचेगा 5, और इसमें से आप लोग कैरी दे दीजिए इसको, तो 10 में से 5 गए तो 5 बचेगा, और हमने इसमें से इसको कैरी दे चुके हैं, तो यहां पर हमारा बचेगा 5। क्लियर? पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दीजिए, 55.514 आपका राइट आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। एक और ऐसा क्वेश्चन लेते हैं, देखिए ये क्वेश्चन हालांकि एग्जाम के लिहाज से कुछ खास नहीं है कि आ सकता है, लेकिन फिर भी बस आपकी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए यहां पर रख दिया है। ये डिजिट दी गई है, देखिए ऐड दिया गया है, फिर माइनस दिया है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस इतना दिया गया है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग क्या कीजिए, पहले ही इस क्वेश्चन मार्क को एक्स मान लीजिए। क्लियर? इन दोनों को ऐड कीजिए, इक्वेशन को पूरी सॉल्व कीजिए, और देखिए यहां पर एक्स की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। जब आप एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो देखिए पहले तो ये आपका आ जाएगा,
इन दोनों को आपको लिखना है। देखिए जैसे ही मैं एक्स को इधर ले लेता हूं, ये पूरा का पूरा डिजिट चेंज हो जाएगा। कैसे? ये प्लस वाला यहां पर माइनस हो जाएगा और ये सारी की सारी आपको प्लस हो जाएंगी और इधर वाली यहां पर माइनस हो जाएंगी। तो देखिए इसको हम लोग अगर करें तो एक इक्वेशन बनेगी। देखिए इक्वेशन बनेगी 63.96। इसको इसी तरह से आप लोग लिख लीजिए जैसे है यहां पर ये। चलिए इसको लिखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको आपने हमने इक्वेशन पे लिख दिया, क्योंकि जब x की वैल्यू यहां से फाइंड करते हैं तो ये दोनों डिजिट यहां पर ऐसे की ऐसे जाएंगी। ये माइनस में ऑलरेडी है, ये प्लस वाला यहां पर माइनस हो जाएगा। क्लियर? अब इन दोनों को आप लोग ऐड कर लीजिए और इन दोनों को देखिए, ये भी माइनस का है तो डिजिट ऐड हो जाएंगी और इसमें से आपको माइनस कर देना है। देखिए आपका ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू, इन दोनों को आप लोग ऐड कर लीजिए। क्लियर है? देखिए 6 और 2 कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो इसको आप ऐड करेंगे और इसको भी ऐड करेंगे। चलिए इसको ऐड करते हैं। देखिए इसको ऐड करते हैं, ये आपका देखिए आपका 6 और 2 8 7 9 7 16 का 6 कैरी बन हो जाएगा। क्लियर है? 5 5 10, 5 4 9 और एक कैरी जोड़ लेंगे 10 हो जाएगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दीजिए और ये आपका देखिए इस तरह से आ गया। और यहाँ पर माइनस का साइन लगाइए। इसमें से देखिए फ्रेंड्स 9 और 1 10 की 0 होती है, आपको पता है, तो इसको भी आप लोग ऐड कर लेंगे। ये साइन बेशक माइनस के हैं तो माइनस और माइनस प्लस होता है, तो 9 और 1 10 की 0 यहाँ पर रख दीजिए। और देखिए 7 का 7 हो जाएगा आपका, तो रखते हैं इसको। देखिए तो इसमें से कैरी लेके माइनस करना होगा हमें। तो देखिए इन दोनों को अब हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे जी बिल्कुल। 686.086 में से 513.980 को यहाँ पर आप लोग जब माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका जो निकल कर आएगा, 8 में से 0 गए तो आपका कितना बचेगा यहाँ पर, 8 में से 0 गए तो 8 ही बचेगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये इसमें से इसको माइनस करना है, इसके लिए हमें कैरी लेना पड़ेगा यहाँ से। जब हम इसमें से इसको कैरी दे देंगे ये आपका हमारा हो जाएगा 16, और 16 में से अगर हम 8 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा यहाँ पर 8। क्लियर है? और यहाँ पर अभी हमारा 0 था तो यहाँ पर 9 बचा हुआ है, और यहाँ पर हमारा 9 में से 9 गए तो 0 हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा टाइम बेसक लग रहा है लेकिन आप लोग समझते चलिए। और इसको यहाँ पर माइनस कर दीजिए तो 172, देखिए 172.088 आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा टाइम बेशक लगा लेकिन आपको समझ के चलना है, इन दोनों को ऐड करना है। इसको आप लोग जब एक्स मान लीजिए क्वेश्चन मार्क की जगह पर, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, ये सीरीज आपकी ऐसी की ऐसी आ जाएगी। ये प्लस है, इधर वाला जाकर माइनस में हो जाएगा। ओके, इन दोनों को ऐड कीजिए, माइनस माइनस प्लस होता है, इसको ऐड कीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, आपका राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, इसको बोला गया है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। हमें यहाँ पर सब कुछ दिखाई दे रहा है। देखिए 25 25 माइनस 2000, तो आपको पता है 25 25 माइनस 2000 आप करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास, ये आपके पास बचेगा 525। तो 25 25 में से माइनस किया तो अपन का बचेगा, यहाँ हमारा बचेगा यहाँ पर 525। क्लियर है? यहाँ पर लिख दीजिए भाई, देखिए 525। अब यहाँ पर देखिए डिवाइड लिखा गया है, ठीक है, डिवाइड बाय 25, तो इसको आप लोग यहाँ पर 25 से इसको डिवाइड कर दीजिए। चाहे आप लोग बच्चों वाले मेथड से कर सकते हैं, चाहे आप लोग नॉर्मल मेथड से करिए इस क्वेश्चन को। तो देखिए आपका ये जाएगा 25 एकम 25 25 दूनी आपका हो जाएगा 50। क्लियर है? 2 बचेगा, ऊपर से यहाँ पर 5 उतार लीजिए, 25 एकम 25 यानी कि 21 आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी कि 21 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हल्का सा तुरंत रिविजन कर लीजिए फटाफट से। देखिए 25 25 में से माइनस दो करेंगे हम लोग 2000, तो आपका यहाँ पर बचेगा 525। क्लियर? इसको आप लोग 25 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका 21 यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, अगर आपने वर्गमूल वगैरह अच्छे से याद कर रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दिया गया है 14.4 और 1.96 आपका दिया गया है। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आप लोग काट लीजिए। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन है 14.4 अपॉन में 190 मतलब कि 19.6, ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पर जरा काट दीजिए, मुझे ध्यान दीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट को काट दीजिए, जैसे ही आप इस पॉइंट से पॉइंट को काटते हैं तो आपके सामने जो क्वेश्चन बनेगा 144/196। क्लियर है भाई? अब मुझे जरा बताइए आपको कितना वर्गमूल याद है, स्क्वायर सभी को याद होंगे, तो 144 किस में आता है? देखिए ये आपका 12 के अंदर आता है। क्लियर?
12 बराबर में 144 होता है, अगर 12 इंटू 12 करेंगे तो 144, और 196 हमारा किसका होता है, तो ये हमारा होता है 14 का। क्लियर? तो हमारे यहाँ पर 12 बटे 14 विल बी द राइट आंसर। देखिए कुछ अगले टाइप्स की ओर चलते हैं। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा हमें इस क्वेश्चन को भी देखना होगा। देखिए यहाँ पर पॉइंट दिया है 3 और लेकिन उसके ऊपर एक बार लगा है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, बस आपको उस ट्रिक के ऊपर फॉलो करना है, उसी पे आपको काम करना है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में किसी भी एग्जाम में दिख जाए तो देखिए इसको आप लोग एक मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे दिया है तो आप लोग बस क्या कीजिए, 3 लिख दीजिए। क्लियर? ऐसे 3 लिख दीजिए, इस बार को हटाइए, यहाँ पर 9 लिख दीजिए, आपका यहाँ पर ये राइट आंसर आ चुका है। क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो चलिए अगले क्वेश्चन से इस क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन सेम टू सेम कुछ ऐसा ही है, तो अब आप कहेंगे कि यहाँ पर 2 डिजिट है तो ये कैसे होएगा? आप सोच रहेंगे कि अगर यहाँ पर 1 डिजिट थी तो यहाँ पर 1 बार 9 आया, तो अब आप कह रहे हैं कि यहाँ पर 2 डिजिट है तो क्या यहाँ पर 9 कितनी बार आएगा या फिर कुछ क्या आएगा, तो ये आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, 0.73 के ऊपर बार है। क्लियर? तो आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पर देखिए 73 को 73 ही रहने दीजिए, सबको भूल जाइए, वहां से 12 हटाइए, जितनी डिजिट है उतनी बार नीचे 9 लिख दीजिए, ये आपका राइट आंसर आ चुका है। क्लियर? अब थोड़ा सा समझिए, आपको इस क्वेश्चन को समझना है। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया है 16+8 ठीक है इंटू 11 डिवाइड बाय 11 अपॉन में 2। देखिए याद करना ये इसके अपॉन में है, तो ये देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिए 16 जैसा लिखा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ते चलिए, आप लोग का बिल्कुल आसानी से आंसर आ जाएगा। 11 है, 11 कर दीजिए। अब देखिए सिंप्लीफाई में मैंने आपको बताया था अगर ये डिवाइड है तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे, अगर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये देखिए हमारा 2 ऊपर चला जाएगा और 11 आपका नीचे आ जाएगा, तो 2 अपॉन 11, 11 से इस 11 को काट दीजिए फ्रेंड्स, ओके, और ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए 8 दूनी 16, तो ये हमारा हो जाएगा 16+16 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 32 विल बी द राइट आंसर। समझ में आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन को लेते हैं, और ये देखिए प्लस का साइन है, कहीं आप लोग कंफ्यूज ना हो जाना, कुछ नहीं किया है, बस ये आपको देखना है कि कभी भी ऐसे जो साइन होता है इसको हम लोग कभी मल्टीप्लाई को जो इसको चेंज करेंगे अगर हम लोग मल्टीप्लाई में, तो ये संख्या डिजिट ऊपर चली जाएगी और हमारा देखिए कैंसिल आउट करके हमारा आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन से देखिए हम ऊपर वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है, तो देखिए इसको लिखिए 40+30 यहाँ पर इंटू का साइन है तो इंटू का साइन लगा लीजिए, 39 ठीक है, यहाँ पर 39 लिखा है, यहाँ पर 39 लिख दीजिए, माफ कीजिए अगर देखिए टाइपिंग प्रॉब्लम मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ पर 39 न होकर 38 आएगा। क्लियर है? टाइपिंग प्रॉब्लम है, मैंने यहाँ पर देख लिया, ये क्रिएटिव प्रॉब्लम नहीं है, तो देखिए इसको कर दीजिए 38 ओके। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड है, इसको चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और जो डिजिट ऊपर वाली नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे चली जाएगी। क्लियर? अब देखिए 19 के टेबल में 19 एकम 19 और 19 दूनी 38 यानी कि ये हमारा 2 बार में कट जाएगा, तो ये हमारा देखिए 40+ एक तो बिल्कुल इजी बिल्कुल समझते चलिए 3 × 2 × 2 ये हमारा आ जाएगा। सभी को आप लोग मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लीजिए, देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए 3 × 6 × 12 यानी कि 40+ आपका हो जाएगा 12। देखिए यहाँ पर 40+12 और आपको ऐड करोगे आप तो कितना हो जाएगा, देखिए 40 × 10 = 50 और 2 = 52 यानी कि 52 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कमेंट करके आंसर दीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है औसत बताइए, तो काफी बार मैं ये चीजें आपको करा चुका हूँ और बता भी चुका हूँ, बस क्या कीजिए 12+13+18+40+7 सभी को ऐड कर लीजिए, मैंने क्या बताया था औसत बटे उनका कुल योग, तो कुल योग बटे जितना आपका संख्या है, तो 12+13+18+40+47 अगर आप करते हैं देखिए आपका कितना आता है, ये आपका आ जाएगा 90। क्लियर? कितना आएगा 90, सभी को ऐड कर लीजिए आप लोग, देखिए इजी आप लोग ऐड कर सकते हैं 40 और 47 ये आपका हो जाएगा। क्लियर? तो 40 बटे संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 5 है, अपॉन में 5 कर दीजिए, इसको फ्रेंड्स काट लीजिए तो 18 पंजे कितने होते हैं, 18 पंजे आपका होता है 90। तो यहाँ पर देखिए 18 पंजे 90 यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही राइट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन का आपसे औसत पूछा गया था, कुछ नहीं करना है, कुल औसत यानी कि इसको जोड़ दीजिए, 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25, इनको अगर आप ऐड करेंगे, देखिए ये 10 15 कितना होता है 25, 25 और 25 कितना होता है 50, 50 और 20 कितना होता है 70 होता है, ठीक है, ये आपका हो गया 70। संख्याएं कितनी है, एक है, दो, तीन, चार, चार है, इसको आप लोग डिवाइड दीजिए, तो देखिए आपका कितना जाएगा, चार एकम चार, ठीक है, चार एकम चार और तीन इधर जाएगा, तो 4 × 7 = 28, यानी कि ये आपका 17.5, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, क्या आपको क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और जितना हो सके शेयर कर देना, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।